वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि स्पेस से आया था। काम सारे उसने विलेन वाले किए थे, लेकिन असल के अंदर उसने सुपर हीरो बन के अपनी मेट्रो सिटी को बचा भी लिया था। तो चलिए फिर आज हम सभी लोग ऐसी ही एक मूवी की बात करते हैं। गाइस, ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी मूवी है जो की 2010 के अंदर आई है, जिसका नाम है गाइस मेगामाइंड। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कुछ ब्लू कलर के क्रिएचर्स हैं जो कि अपने बेबी को स्पेसशिप के अंदर भेज देते हैं, जिसका नाम मेगामाइंड था। और इसी के साथ यहाँ पे इसका एक क्रीचर भी होता है जो कि एक फिश है जिसे मिनियन कहा गया है। जब वो स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे तो साथ ही साथ में एक स्पेसशिप में दूसरा बेबी भी था जो कि बिल्कुल इंसानों के जैसा लग रहा था। इन दोनों की ही डेस्टिनी इन्हें अर्थ पे लेके आई। जो बेबी इंसानों के जैसे दिख रहा था वो एक बहुत लग्जरी घर के अंदर आया। वहीं दूसरी तरफ मेगामाइंड गिरता है प्रिजन के अंदर, जहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों के बजाय एक प्रिजन वाले बच्चे के जैसे ही ग्रो करता है। जब वो स्कूल जाता है तो वही स्पेशल बच्चा भी उसे स्कूल में मिलता है, जहाँ पे उस बच्चे ने अपनी सुपर पावर दिखा के अपनी तरफ सभी को अट्रैक्ट कर लिया था। मेगामाइंड चाह के भी किसी के बीच में नहीं घुल मिल पाता था, जिसके बाद में मेगामाइंड सोचता है कि अब जब मुझे सब जने इविल मान ही रहे हैं तो इविल बनने में बुराई क्या है। जिसके बाद में मेगामाइंड और ये सुपर हीरो दोनों बड़े हो चुके थे। इस सुपर हीरो का नाम सिटी को बचाते बचाते मेट्रो मैन पड़ चुका था। मेट्रो मैन और मेगामाइंड के बीच में रोज फाइट होती थी, जहाँ मेगामाइंड शहर की हर चीजों को डिस्ट्रॉय करता था, वहीं मेट्रो मैन अपनी सुपर पावर से मेट्रो सिटी को बचा लेता था। मेट्रो सिटी का हर एक मेंबर मेट्रो मैन का बहुत बड़ा फैन था। एक दिन की बात है जब मेट्रो मैन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया और उस दिन मेगामाइंड को अपनी जेल से बाहर निकलना था कि तभी मिनियन आके यहाँ पे मेगामाइंड को एक ऐसी वॉच देता है जिससे वो होलोग्राफिक डिस्गाइजेस यूज कर सकता था, यानी कि वो किसी भी दूसरे इंसान के अंदर चेंज हो सकता था। इसी कारण उस पूरी भीड़ के अंदर से मेगामाइंड एक लड़की जिसका नाम रॉक्सेन था, वो रिपोर्टर थी, उसी को किडनैप करके ले आता है। रॉक्सेन को पता था कि मेगामाइंड कितना लूजर है और वो उसे कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पे मेगामाइंड मेट्रो मैन को चैलेंज करता है कि मैं देखता हूँ कि इस बार तुम रॉक्सेन को कैसे बचा पाते हो। जिसके बाद में रॉक्सेन मेट्रो मैन को ये भी बता देती है कि मेगामाइंड ने उसे एक ऑब्जर्वेटरी के अंदर रख रखा है, लेकिन असल के अंदर मेगामाइंड ने इस बार कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। उसने एक आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेटरी बना रखी थी और मेट्रो मैन उस ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाता है जिसके अंदर एक ट्रैप लगा था। हमें बताया जाता है कि मेट्रो मैन को कॉपर से प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसकी पावर कॉपर के अंदर आने पे कम हो जाती है, जिसके बाद मेगामाइंड अपनी सुपर वेपन जो कि सनलाइट से पावर लेती है वही वेपन मेट्रो मैन के ऊपर चला देता है, जिसके कारण मेट्रो मैन वहीं पे मर जाता है और सीधा उसका स्केलेटन आके मिलता है मेगामाइंड को। मेगामाइंड और मिनियन आपस में बात कर रहे थे क्योंकि इन्हें बिलीव ही नहीं होता है कि इन लोगों ने मिलकर मेट्रो मैन को मार दिया। यहाँ पूरा मेट्रो सिटी एकदम सैड हो चुका था क्योंकि मेट्रो मैन मर चुका था। अब ये पूरा मेट्रो सिटी मेगामाइंड का था। मेगामाइंड जब चाहे तब कहीं पे भी चोरी कर सकता था, कहीं पे कोई भी चीज डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन एक टाइम के बाद में मेगामाइंड इन सारी चीजों से बहुत बोर होने लग गया। इवन उसे मेट्रो मैन की याद तक आने लग गई कि काश अगर वो होता तो मेरे पास में कोई चैलेंजेस तो होता उससे लड़ने के लिए। इसी कारण मेगामाइंड एक बार मेट्रो मैन के स्टैचू पे गया था उसी से बात करने के लिए कि मैं वैसे तो तुम्हारी स्टैचू उड़ाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम होते तो अच्छा लगता। वहीं पे रॉक्सन और उसके साथ उसका कैमरामैन जिसका नाम हॉल था उसके साथ में यह रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो भी मेट्रो मैन के स्टैचू पे जाके यही बोल रही थी कि मेगामाइंड रोज यहाँ पे आके कुछ ना कुछ चीजें कर रहा है, अगर तुम यहाँ होते तो हमारी मेट्रो सिटी को तुम जरूर बचा लेते। इस स्टैचू के ऊपर एक बर्नार्ड नाम का लड़का घूम रहा था जो कि रॉक्सेन को कहता है कि ये जगह बहुत ही जल्द बंद होने वाली है तो तुम यहाँ से चली जाओ। रॉक्सेन को कोई दूसरी आवाजें आती है, हालांकि ये आवाजें तो मेगामाइंड की थी, लेकिन होलोग्राफिक डिस्गाइजेस की मदद से वो बर्नार्ड के अंदर चेंज हो जाता है, जिसके बाद में वो पूरे रास्ते रॉक्सेन से बातें करता जाता है और वो रॉक्सेन को अपना फ्रेंड बना लेता है। जहाँ पे रॉक्सेन से बातें करते करते मेगामाइंड को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक सुपर हीरो बनाऊं। वैसे भी मेगामाइंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसी कारण वो मेट्रो मैन के डीएनए से एक सुपर हीरो की पावर्स वाली गन बना लेता है, जिसके बाद में अगर वो किसी भी इंसान में इसे इंजेक्ट करेगा तो वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। यहाँ पे रॉक्सेन मेगामाइंड को कॉल करती है। रॉक्सेन कहती है कि मैं बस मेगामाइंड तक पहुंच ही गई हूं, तुम बस जल्दी से आ जाओ। यहाँ रॉक्सेन उस ऑब्जर्वेटरी में पहुंच जाती है जो कि मेगामाइंड का लैब था और यहाँ मेगामाइंड भी चेंज हो जाता है हॉल के अंदर, जिसके बाद में मेगामाइंड को लगता है कि शायद रॉक्सेन उसे पकड़ लेगी, इसी कारण वो बार बार में हॉल और मेगामाइंड में चेंज हो रहा था। रॉक्सेन डर के मारे वही गन चला देती है, लेकिन वो गन जाके लग जाती है सीधा हॉल को। इधर रॉक्सेन जब हॉल से आके मिलती है तो वो उसे कहती है कि मैं आज बस मेगामाइंड को पकड़ने ही वाली थी, जिसके बाद में हॉल अब कुछ अच्छा फील नहीं करता है और अपने घर जाने लगता है। मेगामाइंड और मिनियन बैठ के सोचते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये गन सिर्फ इसे ही लगनी थी क्या। जहाँ मेगामाइंड और मिनियन हॉल को समझाने के लिए आए थे कि
तुम एक सुपर हीरो बनने वाले हो। लेकिन हॉल को तो ये सारी चीजें समझ में आ ही नहीं रही थी, इसी कारण मेगा माइंड फिर से अपनी वॉच यानी कि होलोग्राफिक डिस्गाइजेस का यूज करता है और एक स्पेस फादर में बदल जाता है, जिसके बाद में वो हॉल को समझाता है कि तुम्हें यहाँ अर्थ पे इसीलिए भेजा गया है ताकि तुम मेट्रो मैन की जगह ले सको और सभी को बचा सको। जिसके बाद में अब हॉल के पास इतनी पावर्स आ चुकी थी कि वो उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाता और हर जगह उड़ने लग जाता है। यहाँ एक तरफ मेगा माइंड बर्नार्ड बनके रॉक्सन से मिला करता था क्योंकि बर्नार्ड उसे बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया था, वहीं दूसरी तरफ मेगा माइंड स्पेस फादर बनके हॉल को ट्रेनिंग देने लग रहा था कि तुम्हें मेगा माइंड का एक दिन सामना करना है। यहाँ बर्नार्ड और रॉक्सन एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए। इधर मेगा माइंड बहुत खुश था कि फाइनली अब उससे लड़ने के लिए कोई सुपर हीरो आ चुका है। यहाँ हॉल को एक नया नाम दे दिया गया था यानी कि अब उसका नाम टाइटन रख दिया गया था। मेगा माइंड को अगले दिन टाइटन से लड़ना था लेकिन मेगा माइंड कहता है कि अभी उसे कोई जरूरी काम करना है, यानी कि वो फिर से एक बार बर्नार्ड में बदल के रॉक्सन से मिलने वाला था। मिनियन मेगा माइंड को मना भी करता है कि वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी बल्कि वो तो बर्नार्ड को पसंद करती है। मेगा माइंड मिनियन की कोई बात नहीं मानता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिसके बाद में मेगा माइंड अपने रास्ते हो जाता है और मिनियन वहां से चला जाता है। यहां रॉक्सन बर्नार्ड का वेट कर ही रही थी कि तभी यहां पे पहुंच जाता है टाइटन। हालांकि हॉल तो हमेशा से ही रॉक्सन को पसंद किया करता था लेकिन टाइटन की ड्रेसअप के अंदर रॉक्सन हॉल को पहचान ही नहीं पाए। टाइटन अपनी पूरी पावर के साथ में रॉक्सन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन इन बातों से रॉक्सन को और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो हॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हॉल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। रॉक्सन से मिलने के लिए बर्नार्ड पहुंच चुका था। ये दोनों आपस में बात करते हैं और ये दोनों एक दूसरे में इतना गुम हो चुके थे कि किस करने पे बाय चांस रॉक्सन के हाथ से बर्नार्ड की वॉच टच हो जाती है, जिसके उसके होलोग्राफिक्स में फिर से चेंजेस आते हैं और वो बन जाता है मेगा माइंड। ये चीज देखते ही रॉक्सन बहुत गुस्से में वहां से चली जाती है, वो पूरे रास्ते रोती रहती है। मेगा माइंड उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि बर्नार्ड मैं ही था और तुम जिस बर्नार्ड को प्यार करती हो असल के अंदर तो वो मैं ही था। जहां रॉक्सन कहती है कि मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन तुमने जो झूठ बोला है मुझे इस चीज से प्रॉब्लम थी। जिसके बाद में मेगा माइंड भी उस जगह से चला जाता है। वहां पे मेगा माइंड की जो इनविजिबल कार थी वो भी वहीं पे रह जाती है और इसी के साथ में पावर डिफ्यूज करने वाला वेपन भी उसी कार में छूट जाता है। यहां मेगा माइंड अपने घर पे आता है क्योंकि अगले दिन उसे टाइटन से लड़ना जो था। यहां मेगा माइंड पूरी तरीके से अपना ड्रेसअप करके अपना आर्मर लेके निकल पड़ा था। वो पूरा दिन वेट करता है, पूरे दिन शहर को बर्बाद भी करता है लेकिन वहां पे टाइटन पहुंचता ही नहीं है। इसी कारण गुस्से में आके वो टाइटन के घर पे जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है कि तुम आज लड़ने क्यों नहीं आए, आज तो तुम्हें मेरे साथ में लड़ना था। यहां टाइटन कहता है कि मुझे लड़ना ही नहीं है किसी से, मैं किसी के भी लिए सुपर हीरो नहीं बन सकता हूं। यहां मेगा माइंड की नजर पड़ती है कि टाइटन ने पिछली रात यहां पे बहुत सारे पैसे चुरा लिए हैं और सारे कीमती सामान भी वो चुराने लग गया है। यहां टाइटन कहता है मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूं जिसका नाम रॉक्सन है और वो एक लड़का जिसका नाम बर्नार्ड है उसके साथ बैठी थी। यहां मेगा माइंड को पता चलता है कि टाइटन तो रॉक्सन को पसंद करता है, इसी कारण अब मेगा माइंड को लगता है कि टाइटन को जगाना ही पड़ेगा। मेगा माइंड यहां अपनी वॉच का यूज करता है और वो बताता है कि बर्नार्ड भी मैं ही हूं और तुम्हारा स्पेस फादर भी मैं ही हूं, तुम्हें मैंने बनाया है और तुम्हें मैंने एक सुपर हीरो इसलिए बनाया है ताकि तुम मुझसे लड़ सको। जिसके बाद में अब टाइटन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फाइनली मेगा माइंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पे इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली फाइट होना शुरू हो जाती है। मेगा माइंड टाइटन को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असल के अंदर टाइटन काफी ज्यादा स्ट्रांग सुपर हीरो बन चुका था। मेगा माइंड के पास लास्ट ऑप्शन था कॉपर बॉल, जिसके अंदर वो टाइटन को बंद कर देता है। मेगा माइंड को लगा था कि जिस कॉपर बॉल से उसने मेट्रो मैन को मारा था उससे वो टाइटन को भी मार सकता था लेकिन ऐसा नहीं होता है, टाइटन उसमें से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद मेगा माइंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो भागते हुए पहुंच जाता है रॉक्सन के पास में। वो रॉक्सन को कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा लेकिन अभी जो मैंने सुपर हीरो बनाया है जो कि एक टाइटन है उसे हमें रोकना पड़ेगा। जरूर हमें मेट्रो मैन के घर पे कोई ना कोई चीज मिल जाएगी जो कि उसकी कमजोरी रही होगी। इसी कारण रॉक्सन और मेगा माइंड पहुंच जाते हैं मेट्रो मैन के घर पे। ये जगह वो ही थी जो कि इनकी बचपन वाली स्कूल थी। यहां मेगा माइंड और रॉक्सन देखते हैं कि मेट्रो मैन का घर तो एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लीन हो रखा है और काफी ज्यादा लग्जरी भी है। इसी के साथ मेगा माइंड को ये भी दिखता है कि एक ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स है और वहीं पे पीछे मुड़ने पे इन्हें मेट्रो मैन दिख जाता है। तब इन्हें पता चलता है कि मेट्रो मैन तो कभी मना ही नहीं था, मेट्रो मैन सारी चीजें सच बताता है कि इतने सालों से मैं बस लोगों की हेल्प ही कर रहा था जबकि ये मेरी चॉइस नहीं थी, मैं इस चीज में खुश ही नहीं था। यहां मेगा माइंड और रॉक्सन कहते हैं कि मेट्रो सिटी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें चलना पड़ेगा लेकिन मेट्रो मैन इनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। तब मेगा माइंड को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। मेगा माइंड को लगता है कि उसने सुपर हीरो को बना के ही बहुत बड़ी गलती की तो अब ये शहर सुपर हीरो के हवाले। जिसके बाद में मेगा माइंड वापस से अपने घर यानी कि जेल में चला जाता है। वहीं पे रॉक्सन को लगता है कि शायद वो टाइटन
टाइटन यानी कि अपने दोस्त हॉल से बात करके सारी चीजें संभाल लेगी, लेकिन अब टाइटन बिल्कुल बदल चुका था। वो रॉक्सिन को ही किडनैप कर लेता है और उसे मेट्रो सिटी के सबसे बड़े नेटवर्क टावर पे बिठा देता है, जिसके बाद में वो मेगा माइंड को प्रवोक करता है और बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो आओ और मुझसे लड़ो। जिसके बाद में अब मेगा माइंड को लगता है कि अब तो शायद उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। वहाँ जब जेलर उसके सामने खड़ा था तो मेगा माइंड उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन असल के अंदर वो जेलर नहीं बल्कि मिनियन था। उसने होलोग्राफिक वॉच पहन रखी थी और यहाँ से अब मेगा माइंड और मिनियन वापस से फ्रेंड्स बन के निकल पड़ते हैं। मेगा माइंड के पास में पहले से ही बहुत अच्छे अच्छे सुपर पावर्स और साथ ही साथ में वेपन्स भी थे। वो सबसे पहले तो रॉक्सिन को बचाता है और उसके बाद में सुपर बाइक के थ्रू उसे नीचे रख देता है, लेकिन एक बिल्डिंग टूटने के कारण वो सीधा मेगा माइंड को इंजर्ड कर देती है। ये चीज देख के रॉक्सिन बहुत टेंशन में आ जाती है और सीधा उसके पास भागती है। तभी यहाँ पे पहुंच जाता है मेट्रो मैन और वो टाइटन को बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें इन पावर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद में टाइटन डर जाता है और सोचता है कि मेट्रो मैन तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो उसे मार भी सकता है। इसी कारण टाइटन मेट्रो मैन को देख के जाने लगता है, लेकिन तभी टाइटन को कुछ क्लू आता है और वो कहता है कि मेट्रो मैन ऐसी लैंग्वेज कभी यूज नहीं करता। असल के अंदर वो मेट्रो मैन नहीं बल्कि मेगा माइंड था, जिसने कि अपनी वॉच होलोग्राफिक का यूज किया था। इधर रॉक्सिन मेगा माइंड को बताती है कि तुम्हारी इनविजिबल कार यहीं पे खड़ी है। मेगा माइंड उस कार के अंदर से वही वेपन निकालता है जिससे कि उसने हॉल को इंजेक्ट किया था। जैसे ही हॉल मेगा माइंड को मारने के लिए आने वाला था कि तभी मेगा माइंड उस पूरी पावर को डिफ्यूज कर देता है और वो सारी पावर्स टाइटन में से निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ पहले जो मेगा माइंड बना था वो मिनियन था। यहाँ पे मिनियन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो तो बस सभी से मजाक कर रहा था। और इसी के साथ अब मेट्रो सिटी का एक नया सुपर हीरो बन चुका था, जो कि था मेगा माइंड। और सभी लोग अब मेगा माइंड की तरफदारी कर रहे थे। पहले मेगा माइंड को लगता था कि उसे कोई पसंद नहीं करता होगा, लेकिन उसके बाद में अब एक ऐसा दिन आया जब सभी लोग मेगा माइंड को बहुत पसंद कर रहे हैं। वहीं इसी भीड़ के अंदर मेट्रो मैन भी आता है मेगा माइंड को देखने के लिए। इसी के साथ मूवी का गाइस एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो ओरिजिनल बर्नार्ड था, जिसका इतने टाइम से मेगा माइंड होलोग्राफिक कर रखा था, उसे मिनियन ने एक वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर रखा था। और गाइस इसी के साथ ही काफी कॉमेडी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।